योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जिसके बाद आज उन्होंने पहली कैबिनेट की बैठक की है। बैठक में उन्होंने कई मुद्दों पर फैसले लिए हैं। कैबिनेट बैठक के बाद सहारा समय के एसोसिएट एडिटर आलोक गुप्ता ने कैबिनेट मंत्री राकेश सचान से खास बातचीत की है। राकेश सचान जी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और इस वक्त कैबिनेट से निकले हैं। राकेश जी से बात करेंगे कि राकेश सर शुक्रिया मंत्री जी, एक मिनट के लिए आपको सारा समय की तरफ से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, क्या कहेंगे, आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। देखिए आपके माध्यम से पहले तो मैं अपने भोगनीपुर क्षेत्र वासियों को, वहाँ के कार्यकर्ताओं के संगठन के लोगों को और अपने शुभचिंतकों को बधाई दूंगा, जिनके प्रयास से मैं वहाँ चुनाव जीता, और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करूंगा, विशेषकर योगी जी को, जिन्होंने अपने मंत्रिपरिषद में हमें शामिल किया है। जो भी जिम्मेदारी हमें वो देंगे उसको बाखूबी सेवक के रूप में हम निभाएंगे। आज अन्य जो राशन देने का फैसला लिया गया है उस पर क्या? देखिए ये बड़ा कदम है, क्योंकि विरोधी कहते थे चुनाव में बंद हो जाएगा, लेकिन 3 महीने के लिए सरकार ने इसे बढ़ाया है और बढ़ा करके गरीब वंचितों को लाभ देने का काम करेंगे, और इसका जो बोझ 3,270 करोड़ पड़ेगा उसको भी सरकार अपने खजाने से खर्च करेगी। धन्यवाद राकेश सचान जी, कानपुर घाटमपुर से चुनकर आए हैं, कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, और क्या कहना है कि पहली कैबिनेट में गरीबों को सरकार ने राशन देने का अभूतपूर्व फैसला लिया है। कैमरामैन सुनील, आलोक गुप्ता।